हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से भिवानी में आज राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जीएसटी के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार की ईमानदारी पर भी सवालिया निशान खड़े किए। जीएसटी में संशोधन न होने पर हरियाणा बंद करने की बात भी कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार भारत में जो टैक्स प्रणाली कानून जीएसटी लागू करने जा रही है उसमें कई कमियां हैं। आम वस्तुओं पर जो कि गरीब से गरीब आदमी के रोजमर्रा में काम आती हैं, उन वस्तुओं पर भी 28% से 40% टैक्स लगा दिया गया है जो व्यापारी समय पर। जो प्रावधान जीएसटी में रखे गए हैं वो तो व्यापारियों के अनुकूल नहीं है। जब पार्लियामेंट में पास हुआ उस टाइम ये कहा गया था कि 18% से 19% तक का एक व्यापारी पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी, लेकिन जैसे जैसे एक्ट बना उसमें 28 से लेके मिनिमम 5% और मैक्सिमम 28 से 32% तक के टैक्सेस के प्रावधान कर दिए गए, जिससे व्यापारियों में भारी रोष है। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पे आज से पहले कभी कोई टैक्स लागू नहीं था, आज उस पे टैक्स लागू कर दिया गया है। जैसे मंडी का है, मंडी के प्रधान हमारे ज़िले के प्रधान भाई नरेश जी बैठे, इन्होंने बताया, अभी आपको बताएंगे कि मंडी पे टैक्स मार्केट फीस ये सरासर गलत है। जब एक टैक्स की पॉलिसी बनी, वन टाइम वन टैक्स, तो दोहरी नीति क्यों, जिसके अंदर व्यापारी अगर समय पर रिटर्न नहीं भरता है तो उसके लिए उसको सजा, समय पर टैक्स नहीं भरता है तो उसके लिए सजा। अगर व्यापारी कुछ माल जिसका अगर कागज ना हो, कोई विवाह शादी में लेके जा रहा हो और उसने पकड़ लिया, तो सीधा व्यापारी की सजा। आज पहले 3 महीने में 1 क्वार्टरली रिटर्न जाती थी, व्यापारी को कोई तकलीफ नहीं थी, अब महीने में 3 रिटर्न, 3 महीने में 1 रिटर्न के बजाय महीने में 3 रिटर्न, 10 दिन के बाद दो, फिर 20 दिन के बाद दो, फिर 30 दिन के बाद दो, 3 रिटर्न ये जाएंगे, परचेज की डिटेल बताओ, सेल की डिटेल बताओ और फिर सारा का कंक्लूजन बताओ और साल में फिर एक और रिटर्न दो। तो आज हमारा छोटा व्यापारी, हमारा दुकानदार भाई कितने कंप्यूटर रखेगा, कितने अकाउंटेंट रखेगा, अपना छोटा व्यापारी खुद तो माल को परचेज करता है, खुद माल को सेल करता है, खुद ही वो अकाउंटेंट है, अगर उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस काम में उसको लगाना पड़ जाएगा। तो 28% क्यों नहीं लागू करती, इसलिए सरकार की यह मंशा है एक व्यापारी वर्ग को तबाह किया जाए, हर आदमी को तबाह किया जाए। $120 बैरल के दाम थे जब भी पेट्रोल 70 रुपये था, आज 46 रुपये बैरल पेट्रोल के दाम है, तो जब भी 70 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। यह सरकार इस व्यापारी को, इस गरीब जनता को क्या देना चाहती है, मोदी ने 3 साल में क्या इस जनता को दिया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाद्यान्न पर टैक्स सरकार ने हटा दिया, इसका लाभ किसको होगा, इसका लाभ सारे सरकार को है, सरकार जो पेट्रोल डीजल वाला लाभ किसको जाएगा, सरकार को जाएगा और किसको जाएगा। जो मतलब एक तरफ सरकार खाद्यान्न पर टैक्स हटाने की बात करती है और ब्रांडेड आटे पर 5% टैक्स लगा दिया, ब्रांडेड की क्या परिभाषा है, उसको थैली में डालते ही 5% टैक्स हो गया। कोई आटा 5 किलो लेने आएगा, वो थैली में तो गलवाएगा, तो 5% टैक्स दे देगा। एक तरफ गरीबों को कहती है दूध पर टैक्स हटा दिया, दूध की थैली बढ़ती है, 5% टैक्स लग गया। गेहूँ पर टैक्स हटा दिया, गेहूँ के बोरे में डालते हैं टैक्स बढ़ गया। ये मनोरमा सरकार की सबसे बड़ी हथकर्मी है, हरियाणा के व्यापारी को तबाह करने जा रहा है मनोरमा सरकार। हम सरकार से अगर मान ली 25 तारीख के सम्मेलन में सरकार ने हमारी नहीं मांग मानी, तो अनिश्चित भारत हरियाणा बंद भी करेंगे और सारे सरकार की ईट सीट बजा के दिखा देंगे भी मार्केट कमेटी हटनी चाहिए। जब एक बहनी का आका था बिल्कुल
मुहूर्त 8 साल हो गए उसने, 5 साल पहले विपक्ष में, 3 साल ही सत्ता में, वो अगर आदमी करता तो शहर के नाले साफ होते। ये जो भिवानी अगले बार डूबने वाली है ना, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा इस एमएलए को लिए, इस एमएलए के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होगा भिवानी डूबेगी। 25 तारीख को पूरे हरियाणा व्यापार मंडल ने मार्केट फीस का ही मेन मुद्दा जिसमें रखा गया हमारा, क्योंकि पंजाब ने 1 तारीख से मार्केटिंग बोर्ड को ही बंद कर दिया है। रमन सिंह सरकार ने मार्केट हटा दी है पूरे मतलब छत्तीसगढ़ से, एमपी में हटा दी गई है। तो यही हमारी डिमांड है कि ये जो मार्केटिंग बोर्ड है ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा मार्केटिंग बोर्ड है, क्योंकि जहाँ पे आदमी के घर का आगे कोई अफसर बैठ जाए तो वो परेशान करेगा ना जी। मंडी के हर गेट पे मार्केटिंग बोर्ड का दफ्तर है, तो उन्होंने व्यापारियों को परेशान करने के सिवाय कोई काम नहीं करना। मंत्री जाती हैं, सारे काम होते हैं। जब एक GST वन इंडिया वन टैक्स कर दिया इन्होंने, वन नेशन वन टैक्स, उसके बाद और कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। राज्य सरकार कोई टैक्स लगाना